वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज हम बनाने जा रहे हैं रेड सॉस पास्ता, वो भी प्रेशर कुकर में। तो ये मैंने पास्ता ले लिया है, इसको पहले हमने धो लेना है छलनी में। ये हमने पास्ता को अच्छे से पहले धो लिया है छलनी में डाल के। अब इसमें हमने जीरे और प्याज का तड़का लगाना है। प्याज भी मैंने डाल लिया है, थोड़ा सा प्याज डालना, इनको भून लेना पहले। ये मैंने 3 टमाटरों को कद्दूकस करके उनकी ग्रेवी बना ली है, आप ग्राइंडर में भी बना सकते हैं। जब हमारा प्याज अच्छे से भून जाए, हमने टमाटर की प्यूरी डाल देनी है। जब हमारा टमाटर भी थोड़ा भून जाए तो उसमें हमने ये पास्ता डाल देना है जो हमने धोया था। अब इसको हमने हमारी ये प्यूरी में अच्छे से मिक्स कर लेना है और हल्दी, नमक, धनिया मसाले हमने डाल देने हैं। ये देखिए अभी कितना लटपटा सा बन रहा है रेड सॉस पास्ता हमारा, बढ़िया सा बन रहा है। ये देखिए अब हम इसमें पानी डालेंगे। पानी उतना डालिए जिसमें ये काफ़ी फूल जाए, क्योंकि हमने पहले इसको धोया ही है, सिर्फ फुलाया नहीं है, तो अच्छे से फूलने के लिए पानी डालना है। ये देखिए अभी ये फूला नहीं है तो, पर पानी इसमें डाल दिया। ये रेड सॉस इसकी है पर अभी ये गाढ़ा नहीं हुआ है, इसकी हमने विसल लगवानी है, वो भी सिर्फ 3। मैंने प्रेशर कुकर बंद कर दिया है, अब हमने सिर्फ 3 विसल तक इसकी वेट करनी है। ये देखिए हमारा रेड सॉस पास्ता बनके तैयार है, अब हम इसे सर्व कर लेंगे। ये हम सर्व कर रहे हैं, गर्मा गर्म, भाप भी आ रही है इसकी। ये देखिए हमारा रेड सॉस पास्ता बनके तैयार है, ऊपर से इसे हरे धनिया से गार्निश कर दीजिए। अभी भाप निकल रही है तो वो भी मोबाइल में आ रही है। आपको अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर एंड लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्रेशर कुकर में ही हमने बना लिया हमारा रेड सॉस पास्ता।